तो देखिए मैंने अभी बालों में कंघी कराई है भाभी से। कंघी कराने के बाद मैं अंदर रूम में आ गई हूँ और यहाँ पर मैं लगा रही थी थोड़ी सी क्रीम। तो मैं जो है ना फेयर एंड लवली ही यूज़ करती हूँ, बाकी क्रीम मैं कभी यूज नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे को शुरू से ही फेयर एंड लवली सूट आती है। वैसे और क्रीम लगा लेती हूँ पर बस अपनी अपनी आदत हो जाती है, मेरे को यही क्रीम अच्छी लगती है। तो चलिए अभी थोड़ा सा मेकअप कर लेते हैं। जी राम राम जी, ज्योति नगर की राम राम। तो कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज की वीडियो स्टार्ट हो चुकी है, मैंने सोचा आप लोगों से बात कर लेती हूँ, वीडियो स्टार्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए हमारे बच्चे लगे हुए हैं, एक खाना खा रहा है एक ही बैठा है। लगी अभी दिन बेटे, तो अब बच्चे जो हैं सोने जा रहे हैं, बाहर हो रही है बारिश। अभी आप लोगों को बाहर का मौसम दिखा देती हूँ। हर्षित बेटा, और मैंने ये वाली कुर्ती डाली है, ये वाली कुर्ती मैंने डाल ली है और इस पर लहंगी डाल लिया। बताइए कैसे लग रहा है? और कुछ लोग बोल रहे हैं कि मेकअप कर रही है भाई की तबीयत ख़राब है, तो देखिए ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है। और दुख तो देखिए मन में है, ये ज़रूरी नहीं है मेकअप दिखाकर या ना दिखाकर दुख जाहिर होता है, वो आदमी के मन में होता है। अभी खबर आई है कि भैया थोड़े ठीक हैं, शायद कल भैया को छुट्टी मिल जाए। तो चलिए आपसे थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। तो देखिए अभी उसके बाद जो है मैंने मेकअप वेकअप सब कर लिया था, आप लोगों से थोड़ी सी बात भी कर ली है। उसके बाद यहाँ पर ये जो बैठी हुई है, ये पड़ोस में ही हमारे मतलब गली में जो है भाभी हैं, वो आई हुई थी और वो बैठी हुई थी यहाँ पर। मम्मी बैठी हुई थी, भाभी बैठी हुई थी, तो इधर उधर दो तीन सामान पड़े हुए थे जिनको मैं सिंगवा रही थी। वो ये पास वाली भाभी जो हैं वो भैया का पता लेने के लिए आए थे, मतलब जिनको भी पता चल रहा है वही लोग आ रहे हैं घर पर पता लेने के लिए। तो ये सब लोग बात कर रहे थे और मैं यहाँ पर कायरव को ले रही थी। तो यहाँ पर देखिए हमने नीचे यहाँ वाले रूम में ना यहाँ पर सेफ सेट कर दिया, और कूलर जो है अंकल जी ने यहीं पर लगा दिया है। और यहाँ पर ये छोटे वाली भाभी और बड़े वाली भाभी जो है, उन दोनों भाभी के मतलब सोफे पड़े हुए हैं, यहीं पर डाल कर रखे हुए हैं। और पापा जी सो रहे हैं, ये देखो पापा जी सो गए। गद्दे हमने वहाँ सेट कर दिए, बेड बनाया था बच्चों ने, सारी चादर इकट्ठी कर दी। अंकल जी लग रहे हैं इधर सिटी में कुछ काम सुधार रहे हैं। तो देखिए आज है ना बारिश हो रही है, देखिए आज मौसम ख़राब है, बारिश हो रही है। और मैं नीचे आई थी किसी काम के लिए, अभी मैं ऊपर जा रही हूँ। तो चलिए छत पर चलते हैं, बारिश ने सारे में गीला गीला कर कर रखा हुआ है। इतनी तेज़ बारिश भी नहीं हो रही है, बस सारे में गीला हो रहा है। मतलब तेज़ बारिश हो तो फिर भी, पर नहीं तो तेज नहीं, हल्के हल्के, पर पौधे बहुत अच्छे लग रहे हैं, पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा। तो अभी मैं छत पर आ गई हूँ, यहाँ पर ये बैठी हुई है भाभी जी, मम्मी के साथ बात कर रही है। तो चलिए थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ आप लोगों से। बिस्तर में सो रही थी मम्मी, तो मैं चाय पी रही हूँ तीसरे पैर की, आप लोग भी पी रही हैं। भाभी यार सो रहे हैं तो मैं अकेली पी रही हूँ, गुंजिया खा रही हूँ भाभी के घर से आई। अभी उसके बाद जो है मैं यहाँ पर आ गई हूँ। मैंने जब बताया था आप लोगों को यहाँ पर गैस रखी हुई है, तो यहाँ मुझे लगाना है थोड़ी सी पिट्टी में छोंक। तो आलू मैंने उबाल लिए थे, छोल लिए थे, पिट्टी बना कर रख दी थी। और यहाँ गैस पर ही दूसरे वाली कढ़ाई रख दी है मैंने, दूसरे वाली उससे दूसरी में पिट्टी है। और अभी जो है इसमें मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया था, घी मेरा गर्म हो चुका है, साथ के साथ डाल दिया मैंने इसमें थोड़ा सा जीरा। और अभी मैं डाल दूँगी थोड़ी सी लाल मिर्च, उसके बाद में ये पिट्टी जो है वो इसमें डाल दूँगी। तो मैं बना रही हूँ पकौड़े, तो मैं इसको पिट्टी को जो है छोंक रही थी। तो अभी ये पिट्टी मैंने इसमें थोड़ी थोड़ी करके सारी पिट्टी मैं इसमें डाल दूँगी। और नमक डालना है और थोड़ा सा डालना है मेरे को इसमें मसाला, बस मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी इसमें, और बस मेरी पिट्टी जो है वो बनकर तैयार हो जाएगी।
अभी जो है मैंने पेटी को छोंक दिया था, उसके बाद जो है मैं आटा बना रही हूँ। तो ये मैं ले रही हूँ चावल का आटा, तो मैंने इसमें थोड़ा सा मोम डाल लिया था, मतलब बहुत थोड़ा सा, मैं इसमें तेल अंदर से ही डालकर लेकर आई थी। और अभी मैं इसको ना अच्छे से पानी से बना रही हूँ, मतलब आटा बना रही हूँ, और इसको बनाकर 10 से 5 मिनट के लिए मैं रख दूँगी, ये इतने सेट हो जाएगा। अभी उसके बाद जो है मतलब मेरा आटा जो है वो बनकर तैयार हो गया था, और मैंने यहाँ पर है ना पकोड़े बनाने स्टार्ट कर दिए। तो मैं किस तरह से बना रही हूँ मैं वो अभी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये मैं कुछ और तरह के बना रही थी, मैंने दो तरह के बना कर देखे थे, पर उससे पहले जो बना कर देखे वो इतने अच्छे नहीं बने थे। कुछ इस तरह से बना रही थी मैं, एक रोटी की तरह मैंने इसको बेल लिया है, और उसके बाद जो है मैंने इसमें अंदर पिट्टी भर दिया, और अभी मैं इसको रोल कर दूँगी। तो और रोल करने के बाद मैंने इसके चारों तरफ मतलब पानी या तेल वगैरह किसी भी चीज़ का हाथ यूज नहीं किया। मैंने देखा है ज़्यादातर हल्का मोटा पानी लगाकर तब ये साइड जो है वो बंद करते हैं, तो वो मैं नहीं कर रही हूँ। बस मैं तो खाली हाथ से मतलब ऐसे ही इसको बंद कर दिया है, और एक एक मैंने तार कर देखा है, मतलब एक भी नहीं है ना साइडों से फटेगा, इतना अच्छा बना है। तो चलिए अभी आप लोगों को नज़दीक से दिखा देती हूँ और बताइए कैसा बना है। तो मैंने ना देखे हैं बनाकर, वैसे मेरी राय में नहीं फटेंगे, पिट्ठी दे दी और बस हाथ से नॉर्मली आराम से बंद किए हैं। तो चलिए अभी पकौड़े उतार लेते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर मैं और मेरी भाभी जो है मतलब पकोड़े खा रहे थे, और छोटी भाभी जो है वो अंदर बैठी हुई खा रही थी, और यहाँ कायरो मेरे पास बैठा हुआ था मुड्डी पर, और पीछे मुड्डी पर बैठी हुई है भाभी। तो मैं भाभी को हंस रही थी कि जितने मैंने तारे हैं उसमें से आधे तो आपने ही खा लिए, बचे कुछ हमारे लिए छोड़ दिए। तो मैं मस्ती कर रही थी मतलब अपनी भाभी के साथ में, और कायरव जो है मतलब वो बैठ ही नहीं रहा था, खाने ही नहीं दे रहा था। उसको मैंने दिया था, उसने वो गिरा दिया, फिर से उसे दूसरा मांग रहा था, फिर दूसरा दिया। तो उसमें हल्की सी मिर्च थी, तो मुझे था कहीं इसका मुंह ना जल जाए। उसके बाद अभी हम लोग आए थे नीचे, तो यहाँ पर देखिए भाभी मतलब भाभी उधर बरामदे में घूम रही थी, देख रही थी कहाँ कौन सा सामान सेट कर रखा हुआ है। और फिर जो है मैं यहाँ बाहर की साइड थोड़ा देख रही थी, बारिश जो है बंद हो गई, मतलब अब लोग देख सकते हो गिल्ला हो रहा है। तो मैं थोड़ा सा बाहर को घूमने के लिए गई थी, मतलब गेट तक ही गई थी, वैसे कहीं बाहर नहीं गई थी। और यहाँ पर जो है ये मेरे मामा जी की पोती है, वो जो मंटू के पास खेलने के लिए बच्चे आ रहे हैं, खेल रहे थे, तो बहुत ज़्यादा खिलाती है कायरव को। और मंटू, अवनी और ये जिया, मतलब जो मेरे मामा जी की पोती है, ये बहुत ज़्यादा खिलाते हैं। मतलब वो दिन से मतलब मैं यहाँ आई हूँ, ये बच्चे और अभी पाखी मतलब मांडू आ गई हैं सारे बच्चे, बस उसको सारे दिन उठाए रखते हैं, मेरे को इतना ज़्यादा लेना नहीं पड़ता है, बस बच्चों के साथ काफ़ी मन लग रहा है। तो अभी उसके बाद मैंने फिर कोई वीडियो शूट नहीं की है, अभी शाम का समय है, और आप लोग देख सकते हो परसों है तीज, तो तीज की तैयारी चल रही है। बच्चों ने आज से ही मेहंदी लगवानी शुरू कर दी है। सबसे पहले मैंने मांटू को लगाई कि बुआ जी आप पहले मुझे लगा दो, फिर इन दोनों बच्चों को भी लगानी है। तो चलिए अभी इन्हें मेहंदी रचा देते हैं, तीज है परसों, तो इस वजह से आज से ही मेहंदी स्टार्ट हो गई है बच्चों की, तो हम लोग शायद कल लगाएंगे, आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाई देगा। चुप करो मंटू, सीधा दिखाओ, मुझे मत देखो, ऐसे दिखाओ जैसे लग रही है, दिन में देखे बहुत गाढ़ी हो जाएगी, अच्छे से दिन में दिखाइए। और अपनी हाथ दिखाओ सुधा,
ये वाली भी, ये बाकी वो हाथ दिखाओ रुका पीछे को, अपने हाथ सुधर तुम हाथ दिखा रहे हो, नक्शे दिखा रहे भारत के ना दिखा। इस वीडियो को यहीं पर एंड कर लेते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, हमें कमेंट। तो देखिए अब भैया की जो तबीयत है वो पहले से ठीक है अब जा, और कल जो है वो भैया की छुट्टी हो जाएगी, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से बात कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने आज भाभी के लिए बनाए पकौड़े, और कुछ लोग मुझे पता है कमेंट करेंगे कि आपने पकोड़े बनाए, भैया बीमार है। तो भैया की जो तबीयत है वो ठीक थी तो इसी वजह से पकोड़े बनाए हैं, वरना पकोड़े नहीं बनाने वाले थे। अच्छी खबर आई तो बना ली, और बारिश हो रही थी, मौसम जो है ठंडा हो रखा था, सोचा कि चलो कुछ बना लेते हैं। तो खुशी होती है जब पता चलता है कि भाई भैया ठीक है, खुशी हुई तो कुछ कर लिया, वरना नहीं, किसी का भी मतलब कुछ भी करने का मन नहीं था। भैया ने बात भी की है आज मम्मी से तो वो ठीक है। तो अभी है ना कुछ लोग मेरे को कमेंट कर रहे थे कि दीदी आप लोअर टी शर्ट पहन के वीडियो में मत आया करो, अच्छा सा नहीं लगता है, तो इसलिए मैंने लोअर टी शर्ट पहनना बंद कर दिया। आप लोगों की राय अच्छी लगी, वीडियो में नहीं आऊँगी पहनकर, और कुर्ती वगैरह पहननी शुरू कर दी है, सूट डाल कर ही आया करूँगी, सूट सलवार या फिर लैगी या फिर प्लाजो, ये सब चीज़ें ज़्यादातर आप लोग बोलते हो सूट सलवार अच्छे लगते हैं, तो कोशिश करूँगी कि सूट सलवार में ही आऊँ, पर बिल्कुल पक्का नहीं बोलती, पर लोअर टी शर्ट में नहीं आऊँगी। मेरे को अच्छा लगा, अगर आप बोलोगे कि मतलब लोअर बनियान या फिर मतलब ढीले डाले बनियान पहन कर ना वैसे पहन कर आऊँ अच्छा लगेगा, तो आप लोग बता दीजिए मैं किस तरह के पहन कर आऊँ, वरना मैं नहीं आऊँगी। अगर आप लोग मना करोगे बिल्कुल क्लियरली तो मैं नहीं आऊँगी। और एक दो कमेंट मुझे ऐसे आते हैं कि मतलब आपका चेहरा ऐसा है, देखकर ऐसा मन करता है, उल्टी करने का मन होता है, और शिकल नहीं देखी है तूने अपनी, गवार कहीं की, बकवास हो रहा है, तो ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं कुछ लोग। तो मैं सिर्फ आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ, आप लोग मतलब ऐसे कमेंट करते हो, आप मेरे को ये बताओ कि आपकी फैमिली में जो मेंबर है, आप किसी को ऐसा बोल सकते हो क्या कि आप बकवास हो, या आपका चेहरा ऐसा है, या तूने शिकल देखी है कि अपनी आईने में। वाले को बोलने से पहले आप ये सोचिए कि जब आप अपने फैमिली मेंबर को ऐसा नहीं बोल सकते हो, तो आप जिसको बोल रहे हो वो भी तो इंसान है, मैं भी तो एक आम इंसान हूँ आप ही की तरह, आप ऐसा लिख देते हो उसी है मेरे को भैया ठीक हो गए हैं, भाभी आ रही है, भैया आ रहे हैं, काफ़ी मन लग रहा है घर में, खुशी का माहौल है। और तो चलिए फिर मिलती हूँ आपको अपने ब्लॉग में, नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो का एंड कर दिया था, पर दो तीन बच्चों के बर्थडे है जिनको मुझे विश करना है, एक का नाम ध्रुव है और एक का नाम यश और एक का नाम यूनाइक है। तो हैप्पी बर्थडे बेटा, आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, भगवान का करे आप हर साल इसी तरह अपना अपने बड़े बुजुर्गों के साथ, मम्मी पापा के साथ अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करें और आपको। चलिए फिर बाय। यूनाइक ना बोल।